नमस्कार, TV24 में स्वागत है आपका। मैं हूं अभितोष सिंह और आप देख रहे हैं ऑन स्पॉट। मौजूदा सियासी माहौल में बयानबाजियों की बाढ़ सी आई हुई है। कई सियासतदान ऐसे हैं जो बदजुबानी की भाषा को ही सियासी भाषा समझने लगे और शब्दों की गरिमा में आई गिरावट को ही मौजूदा सियासी माहौल की भाषा समझने लगे। बड़े बड़े दिग्गजों की जुबान ऐसे फिसलने लगी कि मानो वो ये साबित करने में जुटे हैं कि बहुत हुई अच्छी बात, अब हम करेंगे गंदी बात। आज के ऑन स्पॉट में चर्चा नेताजी की इसी गंदी बात पर। राजनीति में सियासी बयानबाजी और छींटाकशी की होड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राजनेता अक्सर अपने पद और सम्मान की सीमा तक लांघ जाते हैं। इन सब के बीच धर्म जाति को खींचने से लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी तक की जा रही है। तो क्या भड़काऊ बयानबाजी जीत की गारंटी देता है या फिर गंदी बात नेताओं की फितरत बनती जा रही है? आग लगायू सियासत क्यों करते हैं नेता, इस रिपोर्ट देखिए। भड़काऊ बयान क्या जीत की गारंटी है? या तो कट्टरपंथी कुछ मुल्ला राम के वजूद को इनकार करते हैं या फिर वो इंदिरा गांधी का मुस्लिम परिवार। क्या गंदी बात नेताओं की फितरत है? लड़ाई विचारों की है, नीतियों की। एक तरफ गुंडा राज है और दूसरी चीज गुंडा राज से हाथ मिलाने का काम भ्रष्टाचार की देवी मायावती ने कर लिया है। आग लगाओ सियासत, आग लगाओ सियासत क्यों करते हैं नेता? अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी, उसकी ख्वाहिश है तो आ जा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा। चुनाव में जीत की गारंटी गंदी बात। ना मर्यादा का ख्याल, ना पद की गरिमा, ना पार्टी की फिक्र, ना खुद की शर्म और ना ही दूसरों की हया। हमारे नेताओं की जुबान कितनी लंबी हो चुकी है, इसकी बानगी है ये चुनाव। यानी कह सकते हैं ये इलेक्शन तो बदनाम हुआ, सियासत तेरे लिए। उफ, बस बयान से आग लगाओ और चुनाव में वोटों की गारंटी पाओ। क्यों हर पार्टी को चाहिए गंदी बात वाले नेता? धर्म के नाम पर वोट पाना है तो भड़काओ, किसी के विरोध में वोट लेना है तो बरगलाओ, जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाना है तो फिर गंदी बात करो, इससे भी बात ना बने तो फिर बयानों की आग लगाना शुरू कर दो। लगता है कि चुनाव की यही रीत रह गई है और यही नीति है। ये 2019 के चुनाव की मौजूदा तस्वीर है जहां लगता है कि गंदी बात जीत के लिए शुभ लाभ है। बीजेपी अपने हित के लिए किसी हद तक उतर सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने को आगे बढ़ने के लिए वो किसी का भी अपमान कर सकते हैं। जब वो अपनी माँ का नहीं हुए, अपने परिवार का नहीं हुए, अपने और आज देश में कहते हमारा देश सुरक्षित है, अगर देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 42 लोग शहीद हो गए तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी आशा ना करे कि हमारा सम्मान मिले। बयानों की लक्ष्मण रेखा लांघी, बयानों की लक्ष्मण रेखा लांघने का गौरव हासिल करने वाले नेताओं की जुबान
बहुत लंबी है। ऐसे बयान देने वाले नेताओं की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, मगर नेताओं की गंदी बात खत्म नहीं होगी। मंच हो या फिर चुनावी रैली या फिर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना हो, बस जहर के दो बोल बोल दीजिए और फिर सियासी तमाशा देख लीजिए। यार प्रदा जी, तो मैं तो एक दिन बस में जा रहा था, तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की, और ये भी कि हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका ना लगाते हैं, तो बड़ी अजीब अजीब सी बात है। और रामपुर में तो रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी अब तो, जब चुनावी माहौल चलेगा तो रामपुर के लोग भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, हालांकि सूझबूझ के हैं, क्योंकि रामपुर में मानी आजम खान साहब ने इतना काम कराया है, तो वोट तो वो समाजवादी पार्टी को ही देंगे रामपुर के लोग, पूरे लोकसभा के, लेकिन अपने मज़े लूटने में वो कसर इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एक दफ़े मौका मिला है तो वो यही कहेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल और ठुमके देख लो। तो शामें तो वहाँ की खूब रंगीन होंगी, मुझे ये डर है कि मेरे क्षेत्र के लोग भी कहीं शामें अपनी खूबसूरत करने को वहाँ ना चले जाएं। वोटों के ध्रुवीकरण की गारंटी, भड़काऊ बयान। इस तरह के बयान देने का मकसद है वोटों के ध्रुवीकरण की गारंटी। ऐसा ना होता तो फिर जहाँ जगह जगह लोग गांव में सड़क ना बनने पर वोट ना देने की बात करते हो, वहां नेता एक दूसरे को यूं अपमानित करने पर ना तुले होते। दिलचस्प बात तो यह है कि चुनाव के दौरान विवादित बयान देने वाले नेताओं की डिमांड 4 गुना बढ़ जाती है, ताकि उनके बयान मुद्दों को भटकाकर चुनाव को डिरेल कर दें। इस तरह के बयान देने के हुनरमंद हैं बड़े उवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन उवैसी। सुनिए जरा, जब जब जनाब बोलते हैं फिर क्या मर्यादा, क्या दायरा, क्या पद, सब तार तार हो जाता है। सुन लीजिए। अच्छा चौकीदार है, अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चूल्हा मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी, उसकी ख्वाहिश है तो आ जा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा। मुद्दे नहीं, भड़काऊ बयान। अब देश में चुनाव मुद्दों पर होने चाहिए या फिर गंदी बात से, बात विकास की होनी चाहिए या फिर एक दूसरे को अपमानित करने की। वो बयान जिसका आवाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, मगर चुनाव से पहले अक्सर इस तरह के बयान राजनीति की गिरती साख का विषय जरूर बनते हैं, मगर चुनाव आते आते इस तरह के बयान जीत के लिए मजबूरी और जरूरी दोनों बन जाते हैं। तभी तो आज की राजनीति एक दूसरे पर कीचड़ उछालना मजबूरी का नाम कही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। बयानबाजियों का दौर लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने SP-BSP गठबंधन के साथ कांग्रेस पर तंज कसा। अनुपमा जायसवाल का कहना है कि अभी तक लोग कहते थे कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन यहां जोड़ियां मोदी के डर से बनने लगी, यहां तक तो ठीक है। वहीं राहुल पर तंज कसते हुए अनुपमा जायसवाल ये कहती हैं कि पुलवामा अटैक का सबूत मांगने वाले सबूत मत ढूंढो, एक बहू ढूंढो, नहीं तो आगे किसकी गुलामी करोगे। वहीं प्रियंका पर भी तंज कसा अनुपमा जायसवाल ने। वो कहती हैं कि यूपी के किसान उनसे विनती करने पहुंचे कि जीजा जी की नजर उनकी जमीन पर न पड़े। तो इस तरह की बयानबाजियां यहां पर हो रही हैं। क्या भड़कायू बयान यहां पर जीत की गारंटी देते हैं? यह बड़ा सवाल है कि नेताओं की फितरत है, उनकी मजबूरी है, क्यों उनकी जुबान फिसलती है? सुनिए। अरे गुलामों, सबूत मत ढूंढो, एक बहू ढूंढो, आगे की पीढ़ी में गुलामी किसकी करोगे मित्रों। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप द्विवेदी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। और दोनों ही मेहमानों से ये सवाल रहेगा, मनोज यादव पहले आप बताइए सर, क्यों इस तरह के अब बयान दिए जाते हैं, क्यों भड़काऊ बयानबाजी की जाती है और क्यों शब्दों की गरिमा इतनी ज्यादा नीचे गिर जाती है? इससे जनता को क्या लाभ होगा सर? देखिए निश्चित तौर पर कि हिमालय जो
हिमालय की गोद से जब गंगा बहती हैं तभी वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो आज शिखर पे कौन बैठे हैं और राजनीति में जो गंदगी लेके आ रहे हैं वो कौन लोग लेके आ रहे हैं? आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी मेरठ में, क्या औचित्य है और या क्या अधिकार है प्रधानमंत्री जी को कि वो किन्हीं पार्टियों की जो लोकतांत्रिक रूप से इस देश में चल रही हैं, संवैधानिक रूप से उनको अधिकार प्रदत्त हैं, उनको महामिलावटी कहने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आपके मुख्यमंत्री हमें सांप छछुंदर कहते हैं, किस अधिकार पे सांप छछुंदर कहते हैं? क्या आपकी सोच इस प्रदेश के 45-50% जो वोट है जिन पार्टियों का इस प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी वाले, उनको आप सांप छछुंदर करके परिभाषित करेंगे? क्यों, आपको किसने सर्टिफिकेट दे दिया? और अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा नेतृत्व बहुत शानदार है, हमारा नेतृत्व इस तरह की भाषा का हम भी इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी किन किन कार्यकर्ताओं को रोकेगी? सरकार में है भी नहीं, हो सकता है कोई कार्यकर्ता किसी इनके भी नेता पे टिप्पणी कर दे। तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पार्टी के इनके अध्यक्ष, उनसे सीखिए कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव मुद्दों पे ना हो। क्योंकि 2014 में अभितोष जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, मैं जुमलेबाज नहीं हूं जो जुमलेबाजी कर रहा हूं, क्या मोदी जी अपने कहे गए वादों पे, अपने वक्तव्यों पे वापस आ रहे हैं क्या? चलो ठीक है, 15 लाख जुमला था, आई एक्सेप्ट इट, वो जुमला था, नहीं पॉसिबल है। अब बताओ, उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे साहब, 5 साल में अगर एक बन गया हो तो बता दो। तो अगर 100 बनना है और 5 साल में एक नहीं बन पाएगा तो आने वाले समय में कितना समय लगेगा? देखिए वही तो मनोज यादव, मनोज यादव सवाल देखिए यही है कि शब्दों की गरिमा, डेटा आपके पास हो, शब्दों की गरिमा, सभी सियासी पार्टियों से यही सवाल है कि शब्दों की गरिमा क्यों गिर रही है? देखिए आपने बड़े स्पष्ट तरीके से अपनी बात यहां पर रखी, एक भी शब्द आपका आपत्तिजनक यहां पर नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो मंच पर नेता जैसे ही आते हैं उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें कि शब्दों की बाढ़ आ जाती है, उन शब्दों की जो हम आपको ढंग से सुना भी नहीं सकते। संदीप द्विवेदी, ऐसा क्यों है सर, ये आप जरा समझाइए। नहीं देखिए, देखिए कहीं ना कहीं आता हूं, मन हो जाता हूं, देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई छोटा कार्यकर्ता अगर इस तरह की बयानबाजी करता है तो कहीं ना कहीं उस पे कार्यकर्ताओं के जोश की वजह से गलतियां करता है और पार्टी नहीं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, आपके प्रत्याशी कर रहे हैं, आपके उम्मीदवार कर रहे हैं, देखिए उनपे कहीं ना कहीं अगर इस तरह की गलतियां करते हैं तो पार्टी हमेशा उनपे एक्शन लेती है और उसपे कड़ी कार्रवाई भी करती है, ऐसा नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे काफी बड़े तौर पे, पहले बड़े बड़े बयानबाज वीर थे, आज कहीं ना कहीं वो सबके सब शांत हैं और पार्टी ने लोगों पर बहुत कड़ा एक्शन भी लिया है। लेकिन कम से कम अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बदजवानी की बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला का अपमान नहीं किया है, खुलेआम गुंडों का समर्थन नहीं किया है, खुलेआम कारनामे करने वालों का समर्थन नहीं किया है, किसी महिला को साम रंगीन करने वाले इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं। यहाँ तो इनके पार्टी के संरक्षक जो यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो कहते हैं कि युवाओं से तो लड़कों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, क्या ये बदजुबानी नहीं है? आप तो सरेआम जनता को उल्टा सीधा भला बोल रहे हैं। आपके ही नेता भी मैं देख रहा था आपकी टीवी बाइट में कह रहे हैं कि वो सामे रंगीन होंगी। अरे सर, सामे रंगीन कब होंगी? जनता आपको 23 मई को बता देगी कि सामे रंगीन होंगी या गमगीन होंगी। ये बहुत अच्छे से जनता इस तरह के डिसीजन लेने को बैठी है। जिनकी सरकारें कारनामों की वजह से चली गई हों वो कहते हैं जुमलों की सरकार थी। अरे सर, हमारी जुमलों की सरकार थी, हमने आपको सबक सिखाया 14 में भी, 17 में भी और म्यूनसिपल इलेक्शन में, और दोबारा से आपको 19 में आईना दिखाने जा रहे हैं। आप परिवार संभाल नहीं पाए, पार्टी आपसे संभली नहीं, आप प्रदेश के लोगों के बीच में जाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। इनफैक्ट आप चुनाव लड़ने के लिए आपको बुआ का सहारा लेना पड़ रहा है, कांग्रेस को आप दूसरे तरफ से बैटिंग करवा रहे हैं कि भाई आप भी हमारे लिए बैटिंग करिए। ये तो आप लोगों की जनता विकास की वजह से आपकी हैसियत हुई है ना। अगर हमने विकास नहीं किया था तो क्या जरूरत थी आपको एक साथ बुआ बबुआ को जाने की? क्या जरूरत थी कि आंटी से कहते कि आंटी आप भी हमें पीछे से सपोर्ट करिए? कहीं ना कहीं आज आप मुद्दा विहीन हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के 5 साल के विकास की बदौलत है। और अगर विकास नहीं किया होता तो अगर हमने कांग्रेस से 10 से ज्यादा राज्य छीने हैं तो सिर्फ विकास के बदौलत छीने हैं। और अगर आप देखेंगे आज अगर सपा बसपा कांग्रेस या इन लोगों में डर है तो सिर्फ इसी बात का डर है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो विकास किया है और जो मजबूत सरकार दी है उससे ये सब के सब मजबूर रहने वाले लोग आज डरे हुए हैं। नहीं ठीक है, वो सब बात मैं मान रहा हूँ, सब बात आपकी मान रहा हूँ, लेकिन विवादित टिप्पणियां क्यों की जाती हैं ये बताइए। जुबान फिसल जाती है या जानबूझकर कहा जाता है कि आप कुछ ऐसा विवादित बयान दे दीजिए कि उसी पर बातचीत हो? देखिए मैं कुछ क्षेत्रीय पार्टियों या कांग्रेस की परंपरा को नहीं कह सकता कि उनकी क्या नहीं, अपनी पार्टी बात कीजिए, अपनी पार्टी बात कीजिए। देखिए हमारी पीढ़ी में कुछ कार्यकर्ता गलती करते हैं, कुछ
जो कैंडिडेट हैं वो गलती करते हैं और उन्हें पनिश भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी की परंपरा रही हो। कांग्रेस को आप देखिए, आप नटवर सिंह से लेके और अभी नवजोत सिंह सिद्धू तक, मैं आपको दर्जनों नाम गिना दूंगा। एक पार्टी रही है हमेशा। शुरुआत होती है क्या परंपरा की, बार बार ऐसे शुरुआत हो जाती है क्या इस तरह की टिप्पणियों से, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, अगर कोई बड़ा नेता इस तरह की बयानबाजी देता है तब कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है इस तरह की गलतियां हो, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्या आप देखेंगे जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, आपके मणिशंकर अय्यर हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, ये पार्टी का एक तरीके से देखिए पूरा मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, और ये जब इस तरह की बदजवानी करेंगे तो आप कार्यकर्ता से क्या एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपको लगता है कि हमारी पार्टी में कोई इस तरह का बड़ा व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी करता है? आपको भी नहीं मिलेगा। हम अपने छोटे कार्यकर्ता को भी कंट्रोल करके रखते हैं। मनोज यादव, यहां पर स्पष्ट कर रही है स्थिति अपनी बीजेपी की, बड़े नेता बदजुबानी नहीं कर रहे हैं, बड़े नेता ऐसे विवादित टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो निजी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। आप इत्तफाक रखते हैं इस बात से? क्या वाकई ऐसा है सिर्फ छोटे कार्यकर्ता ही ये कर रहे हैं? देखिए अभितोष जी, धीरे धीरे मुझे यह महसूस होने लगा है कि जो प्रवक्ता गण हैं यह धीरे धीरे अनुसंधान की तरफ बढ़ने लगे हैं, और हम लोग शायद मेरे ख्याल से पार्टी का पक्ष रखने की जगह वैज्ञानिक पद्धति पे ज्यादा आ गए हैं, और शायद हम लोगों को उस पे आना भी पड़ेगा। मैं बाराबंकी जनपद से बिलोंग करता हूँ। हमारे गांव में बाराबंकी की लैंग्वेज में एक कहावत है, और उस कहावत को चरितार्थ करने जा रही है आने वाले चुनाव की जो परिणाम है। वो कहावत यह है कि तीसरी भुजौनी में जौ भी जल जाता है। भुजौनी का मतलब जो वो भार भूना जाता है जिसमें हम लोग लैया है, चना है, जो भून के खाते हैं, तो तीसरी भुजौनी में जौ भी जल जाता है। जौ वो गेहूं की एक प्रजाति है, साथ की उसके समतुल्य, जिसपे आवरण लगा होता है, मतलब उस तक जौ तक पहुंचने से पहले उस आवरण को हटाना पड़ता है। तो बीजेपी को एक अहंकार हो गया, उसने दो चुनाव जीत लिए, उत्तर प्रदेश में 14 का चुनाव जीता, 17 का जीता, तो इनको ये महसूस होने लग गया कि साहब हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको लगा कि जनता ने हमें मैंडेट इसीलिए दिया है कि हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो मैं कहावत कह रहा हूं, ये गांव की कहावत है, किसान की कहावत है, मजदूर की कहावत है, छोटे गरीब तबके की कहावत है कि तीसरी भुजौनी में जो भी जर जात है, तो आप निश्चित रहिए ये तीसरा है, और आप अंदर तक जनता को जितने दुख, लेकिन मनोज यादव अहंकार की भाषा, अहंकार की भाषा अलग होती है, अपमान की भाषा अलग होती है। तौर पे जवाब देगा, क्या इस भाषा में अब अंतर नहीं रह गया? ये सभी पार्टियों के लिए ये बात है। क्या आपको, अच्छा सुनिए अभितोष जी, मैं अपनी पार्टी सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी, सफाई देनी पड़ेगी मनोज यादव, उस गलत मनोज यादव सफाई देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को सफाई देनी पड़ेगी सर। नहीं नहीं, क्यों? मैं उसकी ना तो सफाई दूंगा। हाँ, और यानी जो बयान दिए जा रहे हैं वो सही दिए जा रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं वो सही दिए जा रहे हैं। सफाई उनकी देने बैठा हूँ और ना मैं उनको डिफेंड करने बैठा हूँ। जिसने जो गलत कहा है, और अगर वो गैर संवैधानिक है और वो भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार कार्रवाई करती। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे एक राज्यमंत्री ने हमारी सरकार में टोल पे झगड़ा किया, अगले दिन बर्खास्त। एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने हेमा मालिन पे अभद्र टिप्पणी की, अगले दिन बर्खास्त, सरकार से कैबिनेट मिनिस्टर पद से हटा दिए गए। आप ये पूछो इनसे, अरे हम तो इंसान है, बहुत छोटे से माता सीता को टेस्ट ट्यूब में भी कहने वाले पे क्या कार्रवाई हुई? भगवान राम भी उतर आए तो इस उत्तर प्रदेश में रेप नहीं बंद होंगे, उन सुरेंद्र सिंह बलिया वाले विधायक पे क्या कार्रवाई करी? हनुमान जी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने वाले मुख्यमंत्री पे क्या कार्रवाई की? महेश शर्मा भगवान को बेकूफ कह रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की? इनसे सवाल पूछिए साहब, हमारे यहां इंतजार करिए एक रात का, अगर किसी ने कुछ गलत कहा है तो उसको उसकी करनी की सजा जरूर मिल जाएगी। हम समाजवादी हैं, हम वो लोग नहीं है जो इस तरह की गंदी राजनीति का हिस्सा बन के रहे हो। नेताजी पे आप टिप्पणी करते हो, नेताजी ने लिविंग रिलेशन के परिपेक्ष में उस बात को कहा था, और फिर किस मुंह से नेताजी के आशीर्वाद को ले लेते हो कि माननीय नेताजी ने भी कह दिया है, और आप नेताजी पे कितनी अभद्र टिप्पणी करते हो, कहते हो नेताजी हत्यारे हैं।
उत्तर प्रदेश और इस देश के किस थाने में उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है? बताओ ना संघियों, बताओ ना बीजेपी के बुद्धिजीवी लोगों, इस देश के पढ़े लिखे लोगों, जब नेताजी को आप हत्यारा कहते हो, संविधान की रक्षा करना अगर हत्यारा कहलाता है। मनोज यादव देखिए, मनोज यादव मानी चाहिए जैसे ही आप उत्तेजित होंगे, सभ्य समाज जैसे ही आप उत्तेजित होंगे जुबान फिसलनी लाजमी है, अधिकार दे देता है, जैसे ही आप उत्तेजित होंगे जुबान फिसल जाए। मैं बिल्कुल नहीं अपनी जुबान फिसलने दूंगा, यही तो हम चाहते हैं कि राजनेता अपनी जुबान ना फिसलने, मर्यादा ना फिसलने दे, मर्यादा जाने, मैं लेकिन मर्यादाओं से ऊपर जाकर बात हो जाती है। संदीप द्विवेदी, क्यों हम मर्यादाओं से ऊपर जाकर बात करते हैं? नहीं देखिए, क्यों हम भूल जाते हैं कि राजनीतिक भाषा और निजी भाषा या फिर गाली गलौज की भाषा, ये सारी भाषाएं अलग है सर। हम जनता के बीच में है, जनता को हम क्या संदेश दे रहे हैं? कहना कौन सी भाषा है? आता हूं मनोज यादव, जवाब दो सवालों का जवाब ले रहा हूं बीजेपी से। माता सीता को टेस्ट ट्यूब में कहना कौन सी भाषा है? जवाब दीजिए, हमें मत बताइए हमें कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी है या क्या नहीं करनी है। जिनकी सरकारें कारनामों की वजह से चली गई, हमें बताएंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? और मुलायम सिंह जी आज डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी के परिपेक्ष में कहा था, उन्होंने खुलेआम बलात्कार करने वाले गुंडों का पक्ष लिया था, क्या कार्रवाई कर ली आपकी पार्टी ने? हिम्मत थी आपकी कार्रवाई करने की? और आप डिफेंड करते तो इस बयान को भी डिफेंड कर दो कि मोदी जी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि सरकार बने, नहीं कर पाए क्यों? पगलाने ही नहीं है आप संरक्षक, अरे आप तो मत धीरे देने वाले लोग हैं। और आजम खान के ऊपर कौन सी हिम्मत, कौन से केस चलवा दिए? संदीप द्विवेदी अगर हिम्मत दो तो जवाब दो, सरकार में रहते हो माता सीता को टेस्ट ट्यूब कहने वाले पे कार्रवाई होगी? जिस पार्टी ने दो बार सरकार रिपीट नहीं कर पाई हो, 25 साल से जो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाया, संस्कारों की परिणति हो, आरोप लगा रहा है संस्कृति में ईश्वर को भी गाली दी जाती है, उसी संस्कृति की परिणति हो। संदीप द्विवेदी आप नहीं बोल पाओगे, आप भाजपा से तुलना करें, अरे नमूनों की सरकार रहे हैं आप लोग, आपके हाथों से सरकारें फिसल रही है, जनता फिसल रही है, वोटर फिसल रही है, और आपको सबक सिखाने के लिए जनता बैठी है। पिछले 5 साल जब सपा के थे आपके ही साथ रहने वाली बहन जी कहती थी गुंडा राज आ गया, गुंडे सत्ता में आ गए हैं, अपराध बढ़ गया, बलात्कार बढ़ गया, हत्याएं बढ़ गई, ऐसा क्या हुआ था सब कुछ ठीक हो गया? क्या नहीं किया था? मनोज यादव देश के प्रधानमंत्री के लिए निजी टिप्पणी नहीं, हरण किया कम से कम मेरे कार्यक्रम में नहीं, आपने कर दिया इनकार करता इस शो में नहीं। अरे अवार्ड देने वाले लोग हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्यों भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, क्यों इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं? आप प्रधानमंत्री को लेकर आपसे नाराजगी है, सरकार में सिर्फ आप विपक्षी पार्टी तौर पर मत देखिए ना, भड़काऊ बयान पे वो क्या डिफेंड, आप भड़काऊ बयानबाजियों से बचना है आपको, आप उसी पे और आप भड़काऊ बयानबाजी अपनी ओर से दे रहे हैं, यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों ऐसी फितरत बनती जा रही है सियासतदानों की? बीजेपी के लोग बौखला चुके हैं। अमितोष जी एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, अगर मुलायम सिंह जी जैसा व्यक्तित्व अगर कोई बयान देता है तो ऊपर से लेके नीचे तक वो समझ रहे हैं, अमितोष जी बहुत समझदार हैं। ये क्या मोदी जी, आप अपने नेताओं को समझाओ भैया कि माता सीता को ट्रस्ट ट्यूब में भी ना कहा करें, बयान दे दी, हमारी जिम्मेदारी उसको रास्ते पे लाने की, हम उस पर कार्रवाई करते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम सपाइयों की तरह अवार्ड नहीं देते कि मुलायम सिंह जी कहा के कहे अगर मुझे 18 की जगह 55 भी मारने पड़ते तो मैं हिंदुओं को मारता, नहीं सुनाई पड़ रही है क्या? कौन सी उनके ऊपर सुरेंद्र सिंह नहीं समझ में आ रहा है क्या? फिर उनके बयान महेश शर्मा नहीं समझ में आ रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ जी की नाम नहीं सुनाई पड़ रही है क्या? बता दीजिए किस केस में जेल में जा रहे थे, क्या हत्याओं के केस में नहीं जा रहे थे, क्या भ्रष्टाचार के केस में नहीं जा रहे थे, और आप कहते हैं कि किस खाने में केस चल रहा है? अरे आपने किया क्या है? सिर्फ आप लोगों ने जब भी सत्ता में रहे गुंडे की है, इसीलिए आप दुग्गल जी आज जज भी बन गए। अरे सरकार जिस दिन आप दोबारा रिपीट करके किसी दिन उस दिन भाजपा की बात बन जाते हैं, सांसद और दुग्गल जी की टीम के लोग आज जज बन गए करने की बात करते हैं, और आप जज बन गए दुग्गल जी, जितना आपका वोटर और कार्यकर्ता नहीं है उससे पहुंच गई है। ठीक है, प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए हैं आप दोनों ही मेहमान थोड़ा सा राहत ले लिए, थोड़ी सांस ले लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे फिर से कोशिश करेंगे जानने की क्यों ऐसी परंपरा पड़ रही है, कम से कम जनता के दिलो दिमाग में किस तरह के यहां पर शब्दों को भरा जा रहा है सियासतदानों की ओर से। एक छोटा सा ब्रेक चलता हासिल होता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए यहां पर नाराजगी हो जाती है, लेकिन नाराजगी को अगर शब्दों में बयां करें तो क्या शब्द वो गाली गलौच वाले हो जाएंगे? मनोज यादव ये समझाइए, बड़े ही आराम से इस बात को समझाइए कि क्या ये जो बयानबाजियां हैं ये गलत नहीं है, क्योंकि जनता को इन बयानबाजियों से क्या मतलब? जनता तो काम देखेगी, काम पूछेगी, आप क्या करेंगे जनता के लिए ये जानना चाहेगी। देखिए मैं अभितोष जी बहुत साफगोई से इस बात को रखूंगा, मैंने पहले भी अपने हिस्से में उस डिबेट में कहा कि हमारा राष्ट्र नेतृत्व इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री हैं देश के, वो अगर हमसे कोई सवाल हमारे ऊपर उठाएंगे, हम पे कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। उस पर हो सकता है कि आपको लगे कि किसी नेता ने भाषा का स्तर को गिरा दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब आपको ये बात सोचनी चाहिए कि वो देश के सबसे गरिमामय पद पे बैठ के आप गठबंधन पे क्या टिप्पणी कर रहे हो, क्यों टिप्पणी कर रहे हो भाई? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप शिवसेना के साथ क्यों इतने साल से महाराष्ट्र में लड़ रहे हो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि पंजाब में आप अकाली दल के साथ क्यों लड़ रहे हो, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप तमिलनाडु में क्यों जाके तमाम गठबंधन कर रहे हो, कर्नाटक में आप क्यों नहीं गठबंधन किससे कर रहे हो? हम तो आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आप जिससे मर्जी उससे गठबंधन करो। हम तो आपको उत्तर प्रदेश में नहीं रोक रहे हैं कि आप अपना दल से और राजभर से क्यों गठबंधन कर रहे हो। आपके गठबंधन पे हम कोई सवाल भी नहीं उठा रहे, तो क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब आप डर रहे हो हमसे? और अगर डर रहे हो तो कम से कम ये कहो कि ऐसे गठबंधन को मेरा विकास काम आपको तोड़ देगा, आपके गठबंधन को हम बिल्कुल नहीं समझते, और हमारे विकास के आगे प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे के आगे उनकी जो विशाल काय जो उनका व्यक्तित्व उसके आगे गठबंधन शून्य होगा, ये भी भाषा हो सकती है। लेकिन आप कहते हो ये सब चोर हैं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे बिल्कुल महामिलावटी लोग हैं, तो निश्चित तौर पे ये समझा जाएगा कि आप मनवाद के प्रतीक हो, इस वजह से दलितों को पिछड़ों को जो एक गठबंधन के रूप में अंबेडकरवादी और लोहियावादी लोग एक मंच पे आए तो आपको तकलीफ हो रही। मैं तो आज एक वक्तव्य देता हूं और इसको कोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मनोज यादव की कथन है, तमाम महापुरुषों ने कहा होगा, मैं भी एक लाइन कह रहा हूं, जब जब अंबेडकरवादी और लोहियावादी एक मंच पे आएंगे इस देश के मनवाद को मानने वाले संघवाद को मानने वालों के पेट में बहुत जबरदस्त दर्द होगा और उनके मुंह से अनाप शनाप निकलेगा। ये मैं आज कह रहा हूं, मैं दुनिया में जब नहीं रह जाऊंगा और ऐसी स्थिति अगर बनेगी तब भी यही होगा, तब भी पेट में दर्द होगा, क्योंकि ये देश एक ऐसी परंपराओं से बना हुआ है जहां पे मनवाद एक तरफ है और तमाम सारी जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है उसको भेड़ बकरी समझा जाता है, सांप छछूंदर समझा जाता है। हम फिर भी आक्रोशित नहीं है, हम फिर भी आपका पुतला नहीं जला रहे हैं, हम फिर भी आपके खिलाफ रोड पे नहीं उतर रहे हैं, हम आपको संवैधानिक रूप से जो हमें राइट है 5 साल में एक बार अभितोष जी मौका मिलता है उसके आधार पे आपको उस बात का जवाब देंगे। आप हमें गाली दे दो, दे लो, कोई बात नहीं, आप सत्ता में बैठे हो, आप शीर्ष पद पे बैठे हो, आप अपना वो पालतू वाला जो सीबीआई है वो छोड़ दोगे हमारे ऊपर, डरवाओगे हमको, फंसा दोगे हमें, हमें हम आप आपने अभी हमारे खाद्य वो जो खदान का मैटर था उसमें अखिलेश जी का नाम ले लिया, आपने ले लिया, हम आपका स्वागत करते हैं, रिवर फ्रंट में आप अखिलेश जी का नाम ले रहे हो, किसी भी अधिकारी को मत छोड़िएगा, जो पहला व्यक्ति होगा उस बाबू से लेके और मुख्यमंत्री तक कोई छूटना नहीं चाहिए, दस्तखत सबके हैं, अंतिम दस्तखत होता है मुख्यमंत्री का, अगर गड़बड़ी हुई हो तो सबको सजा देना, कोई छूटना नहीं चाहिए। आप बिहार वाली स्थिति मत लाइएगा कि लालू प्रसाद जी को जेल और मिश्रा जी को बेल, ठीक है, ये इस देश में अब नहीं चलने वाला है। लालू जी को जेल, मिश्रा जी को बेल, मुख्यमंत्री के रहते एक गठबंधन को जेल, बड़ी चुनौती है यहाँ पर, बेल, गठबंधन एक बड़ी चुनौती है। देखिए अगर हाई कोर्ट उन्हें सजा दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट उन्हें सजा दे रहा है तो क्या सरकार कोर्ट को चला रही है? हो सकता है सपा सरकार में जानबूझ के जजों के ऊपर बंदूकें तलवारें रख दी जाती हों कि डिसीजन होगा तो हमारे हिसाब से वरना नहीं होगा, ऐसा हुआ 5 साल, हो सकता है सपा सरकार में होता रहा होगा। दूसरी चीज आप कहते हैं कि चपरासी से लेके और क्लर्क आईएएस तक सबको सजा होना चाहिए, उनको जनता ने चुन के नहीं भेजा था, उनको आपने मजबूर किया, उनके ऊपर आपने गुंडई की, उनके ऊपर आपने बंदूकें रखी, तब वो ये नया 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 फंडा, आप ठेकेदार बनते हैं लोहियाबाद के, मतलब लोहिया जी को बदनाम सजा नहीं मिलेगी,
अधिकारियों को सजा नहीं मिलेगी क्या? देखिए, लेकिन दूसरी लाइन उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरी लाइन क्या, मैं वही चीज, भाई सरकार को सजा नहीं देनी है, सजा कोर्ट को देनी है। हाँ। अब क्लर्क दोषी है कि नहीं कोर्ट डिसाइड करेगा, आईएएस दोषी है कि नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ये लाइन आपने नहीं बोली थी ना, ये लाइन आपने नहीं बोली थी, उसी को पकड़ा था मैंने, तो सजा आप आईएएस को देंगे या अखिलेश को देंगे वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या उसने गवाही दी, क्या उसने कहा। अगर वो सरकारी गवाह बन के कहता है कि हमें सफाई गुंडों ने जबरदस्ती उठा लिया था, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए, क्या जज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उसका विवेक डिसीजन लेता है। और ये जो लोहियाबादी और पिछड़ा वर्ग के ठेकेदार बने बैठे हैं, आज ने एक पिछड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो इन पे पच नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ने परिवारवाद का और नवाजवाद का एजेंडा फैलाना था, क्योंकि ने कट्टरपंथियों को गोद में खिलाना था। और ये मनुवादियों की बात करते हैं, आप दलित हितों की बात करते हैं, क्यों? 25 साल बहन जी आपसे दूर थी, आपने चीरहरण नहीं किया था क्या उनका गेस्ट हाउस में? और गेस्ट हाउस तो छोड़िए, आपकी सरकारों में जो दलितों का चीरहरण ग्राउंड लेवल पे हुआ, वो आपके ठगबंधन को अगर सबक ना सिखा दे तो कहना, वो मुस्लिम जिसको आप 18% आरक्षण देने की बात करते थे, वो यादव जिसको मुस्लिमों ने प्रताड़ित किया, आपके सपाई गुंडों ने जिन कट्टरपंथियों को आपने अपनी गोद में बैठा रखा था, वो आपको वोट देगा? एक एक वोटर इस प्रदेश का आपको सबक सिखाने के लिए बैठा नहीं, संदीप द्विवेदी ये बताइए, अच्छा इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, तो 40 आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बहुत चल गया, इस सवाल का जवाब दीजिए, गठबंधन बड़ी चुनौती है क्या तीनों को सफल, उत्तर प्रदेश में गठबंधन बड़ी चुनौती है क्या? हर एक नेता उसका जिक्र कर रहा है और जुबान उस पर फिसल जा रही है, गठबंधन का जिक्र खुद प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और उसके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। गठबंधन क्या बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं है गठबंधन चुनौती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना विकास का एजेंडा लेके जनता के बीच में गई है, बार बार विपक्ष गुमराह करने की कोशिश करता है, कभी ये सैनिकों पे लांछन लगाते हैं, कभी ये साइंटिस्ट पे लांछन लगाते हैं, कभी ये जानबूझ के गुमराह करने वाली बातें करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ समाजवादियों और पूरे मोदी विरोधियों को, दिखाओ ना जनता के बीच में, कांग्रेस का विरोध था, हमने आंदोलन खड़ा करके दिखाया था। अच्छा, सैनिकों पर किस तरीके से लांछन लगा संदीप द्विवेदी, ये भी समझा दीजिए, और वैज्ञानिकों पर कैसे सवाल उठे ये भी समझा दीजिए संदीप द्विवेदी, ये समझाइए ना दोनों बातें। कौन सी? मैं सुन, जो आपने कहा कि सैनिकों पर भी लांछन लगा रहे हैं वो बात, और दूसरी वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं वो बात, इन दोनों पर जरा एक बार देखिए। ऑब्वियसली देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि को जनता के सामने रखा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों आप बीच में लाने की कोशिश करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद आप चाहते हैं कि मुद्दा बने, क्योंकि आपके पास दूसरा मुद्दा नहीं है। अगर सैनिक एयर स्ट्राइक करते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर उसको लेके जनता के सामने बात रखते हैं, तो आप क्यों उस मुद्दे के ऊपर, आप सैनिकों के ऊपर आप उंगली उठाते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन हो गए हैं आप लोग, तो आप सरकार पे उंगली उठाने की कोशिश के बहाने आप देश के सैनिकों पे उंगली उठाते हैं। मनोज यादव, आप लोग कहते हैं कि मुद्दा सरकार के पास नहीं है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, सरकार का कहना है कि आपके पास मुद्दा नहीं है इसलिए आप सैनिकों पर सवाल उठा दे रहे हैं, वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं। वैज्ञानिकों पर क्या सवाल कल उठाया गया, ये मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, और क्या आप सैनिकों पर भी सवाल उठा रहे हैं, एक पक्ष आपका समाजवादी पार्टी का? देखिए अभितोष जी, में एक अपना ग्रंथ है, पुराण है, उसके दो चरित्र का वर्णन करके इस बात को कहूंगा। हाँ। और जिसको बुरा लगे उससे मैं माफी पहले ही मांगे ले रहा हूं। महाभारत में दो करेक्टर थे, एक करेक्टर थे भीष्म पितामह और दूसरे करेक्टर एक वो थे जिनका नाम था शिखंडी। जिस वक्त शिखंडी सामने आ जाते थे, भीष्म पितामह चूंकि अपने धनुष विद्या के वो सबसे पारंगत धनुर्धर थे, उनका धनुष नीचे हो जाता था। कुछ ऐसी ही पूरी तरीके से स्थित बनी हुई है बीजेपी की सरकार। हम सवाल बीजेपी से करते हैं, वो सामने लेके चले आते हैं सेना को। हम शाबाशी देते हैं डीआरडीए के वैज्ञानिकों को, वो लेके चले आते हैं वैज्ञानिकों की काबिलियत पर। सेम यही स्थित है। हम पूछते हैं, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ये नहीं कहा कि हमने वहां पे कितने आतंकवादियों को मारा है, कोई आंकड़ा नहीं प्रस्तुत किया। योगी जी 400, अमित शाह जी 250, फलाने जी 350 और धमाके जी कोई गिनती ही नहीं कितने मारे हैं। आप ये बताइए, अगर आपको संख्या बतानी है तो आप उस शानदार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी जो है हमारे देश की, उनके चीफ बताएं, क्योंकि वो जो बात कहेंगे ऑथेंटिक बात कहेंगे। वो देश की आर्मी है, संवैधानिक रूप से चलती है, कोई गलत आंकड़ा प्रस्तुत वो नहीं करेगी, एक बात। दूसरी बात,
डीआरडीए के अगर किसी भी वैज्ञानिक ने कोई नई सफलता हासिल की तो उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लेते, उनके साथ चार वैज्ञानिक बैठ जाते और मोदी साहब भी बैठ जाते, कौन मना कर रहा है। कम से कम इस देश के उन वैज्ञानिकों का चेहरा, मनोज यादव जी, मनोज यादव बच्चों को, ठीक है, जो वैज्ञानिक इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक चेहरे भी तो आइडियल के रूप में हो जाते हैं। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है, तो मैं नरेंद्र मोदी को सोच के वैज्ञानिक बन जाऊंगा क्या? मनोज यादव, मनोज यादव, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए कि इन दोनों ही कामों के लिए क्या पॉलिटिकल विल की जरूरत नहीं थी? 2012 में तैयारी हो चुकी थी जो कल अंतरिक्ष में हुआ है, लेकिन 2012 में नहीं इसको ग्रीन सिग्नल मिला क्योंकि कुछ कमी थी। पॉलिटिकल विल की जरूरत है कि नहीं है, ये बताइए साहब। अगर मोदी जी कूटनीतिक व्यक्ति हैं, अमित शाह जी कूटनीतिक व्यक्ति हैं, तो अगर वही डीआरडीए के चीफ ये बात कहते कि इस ये सरकार के सहयोग से और सरकार की प्राथमिकताओं की वजह से सरकार की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी बहुत फॉरवर्ड पॉलिसी थी कि इस चीज को इतने कम समय में पूरा किया जाए, कितना बेहतर मैसेज जाता। तब आप कहते कि दबाव में है वैज्ञानिक, तब आप ये भी कह सकते थे कि दबाव में है वैज्ञानिक, सरकार की प्राथमिकता। नहीं नहीं नहीं, तो आप पहले आपको बोलना चाहिए, आचार संहिता लग गई तो बोलने का क्या मतलब है? ये इस पॉइंट पे आइए ना मनोज यादव, इसी पर मैं आपको लाना चाह रहा था। आचार संहिता लागू है, आप जाइए ना चुनाव आयोग, आचार संहिता लागू है, आप चुनाव आयोग जाइए, आप शिकायत कीजिए और आचार संहिता का उल्लंघन का यह मामला है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस पॉइंट पर आइए ना, इस पर आइए मनोज यादव। देखिए, हम पूरी तरीके से आचार संहिता का जहां जहां उल्लंघन हो रहा है अभितोष जी, समाजवादी पार्टी और इस देश की तमाम विपक्ष की पार्टियां इस बात को पूरी तरीके से निगरानी में रखे हुए हैं कि आखिर ये बात क्यों हो रही। जब आप ये बताइए, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं विकास की बात पे, हमारे साथी बीजेपी के कह रहे हैं कि विकास पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप बता दीजिए, सुबह से 3 रैलियां प्रधानमंत्री जी ने की, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो अगले दिन से मुझे अपनी बहस में आप मत बुलाइएगा। कितने मुद्दों पे मोदी जी ने विकास की बात करी, कितने अपने उन एजेंडों की बात करी जिनको कहा जाएगा कि हाँ ये डेवलपमेंट के उन्होंने काम गिनाए। सिर्फ 3 बात है, एक तो गठबंधन पे अटैक किया, दूसरा सैनिकों का सहारा लिया, तीसरा डीआरडीए की बात की। इसके अलावा आपने क्या, बीजेपी बीजेपी तो कह रही है यहाँ पर मनोज यादव कि विकास तो हो गया, विकास हो गया इसलिए उसका जिक्र बार बार किया नहीं जा रहा है। संदीप द्विवेदी, कौन सा इन आरोपों में कुछ दम है? कौन सा किस विकास की बात की जाए, कौन सा विकास हुआ? मनोज यादव आ ही रहा हूँ, आप ही के सवालों का जवाब ले रहा हूँ यहाँ पर। क्या जम्मू कश्मीर की उस टनल की बात हो गया? धन्यवाद। देखिए, मैं अमितोष जी एक बहुत अच्छी बात बता दूं, चाहे सपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे टीएमसी वाले हो, ये सिर्फ सिर्फ मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि ये कब मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोधी हो जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। आप कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी आर्मी देती, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी किसने की थी, किसने उंगलियां उठाई थी, किसने हमें मजबूर किया था कि हम अपने सैनिकों के और हम अपने सिस्टम में रहने वाले लोगों के बचाव में आए? क्या हमने जानबूझ के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? आपने हमें मजबूर किया था सैनिकों के पक्ष में खड़े होने के लिए। दूसरी एयर स्ट्राइक हुई, क्या आधिकारिक जो लोग थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन आपने उस पर भी उंगली उठाई? क्या हमारा फर्ज बनता था हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हों, क्योंकि हम आपकी तरह बोलना चाहूंगा, अभी आता हूं, लोग नहीं है, एक बार बात पूरी करने दीजिए फिर आता हूं वाले लोग नहीं। और आप कहते हैं कि जो जितनी भी एयर स्ट्राइक्स हुई या सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई इनके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं था। अरे आप मुद्दा लेके आ जाते, हमारे पास नहीं था, इन मुद्दों को आप समर्थन कर देते सरकार का, आप शांत खड़े हो जाते, उठाते मुद्दा, हिम्मत नहीं थी क्योंकि आपके पास मुद्दे ही नहीं थे। मुद्दे होते कहां से? एसी ऑफिस से निकलना नहीं चाह रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो जनता मोदी मोदी चिल्लाने लगती है, रैली करनी होती है तो भाड़े के कार्यकर्ता लाने पड़ते हैं, तो हिम्मत नहीं पड़ रही है रैलियां करने की। इसलिए आप ये कहिए कि विरोध की वजह से आप जानबूझ के समय देश विरोधी होने की कैटेगरी पे आ गए हैं। मनोज जी, अभी भी समय है, अभी भी जनता के बीच में जाइए। आप कहते हैं हमने अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाई, लगभग 1 साल हमने अपना संपर्क फोर समर्थन अभियान चलाया है। आपकी तरह एसी में बैठ के हम घर में बैठ के राजनीति नहीं करते हैं, हमारे हर कार्यकर्ता ने खून पसीना एक किया है जनता के बीच में जाके, तब जाके हमें ये समर्थन मिला है।
आज हम अगर बयानबाजी करते हैं तो आपके आरोप प्रत्यारोप की वजह से हमें बचाव में इस तरह की बयानबाजी करने के लिए यही तो मनोज यादव कह रहे हैं, आज भी यही तो मनोज यादव भी कह रहे हैं, आज भी हमारा आप बयान पहले दे देते हैं उस बचाव में हमें इस तरीके की विवादित टिप्पणी करनी पड़ती है। मनोज यादव गलत हो क्या? विवादित टिप्पणी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने आज ये कह रहे हैं कि विकास की बात क्यों नहीं हो रही है। देखिए हमारा कार्यकर्ता सिर्फ विकास की बात कर रहा है और इनके जवाबदेही के लिए इन्हें हम इस तरीके से मुद्दों में देते हैं। अगर आप सेना पे उंगली उठाएंगे हम सेना के खड़े में साथ खड़े होंगे, अगर आप हमारे साइंटिस्ट पे उंगली उठाएंगे हम अपने साइंटिस्ट के साथ खड़े होंगे, अगर आप सिस्टम में किसी एक प्यून को के ऊपर उंगली उठाएंगे तो हम उसके बचाव में खड़े होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं है जो प्यून से लेके आए। संदीप द्विवेदी, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ, यहाँ हम सिस्टम क्या, में क्या हमारे सैनिक, क्या हमारे सैनिक समाजवादी पार्टी के सैनिक नहीं है? इस देश के सैनिक क्या समाजवादी पार्टी के बीएसपी के सैनिक नहीं है? इस देश के वैज्ञानिक क्या समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के बीएसपी के सैनिक वैज्ञानिक नहीं है? सैनिक नहीं है, ये तो राजनीति का बंटवारा, ये बंदर बांट करने वाले लोग करते हैं जिनकी दुकानें बंद होने की कगार। मनोज यादव सुन लीजिए बस हो गया जी। देखिए हमारे बीजेपी के काबिल मित्र ने बड़ा अच्छा सवाल मुझे दे दिया और उसका जवाब मैं हो सकता भूल जाता, इस डिबेट में दे भी ना पाता। ये बताइए आप हमें कह रहे हैं कि हम सैनिकों पे सवाल उठाते हैं, हम उनकी शहादत का मखौल और मजाक उड़ाते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को, राजनीति उसी दिन त्याग दूंगा जिस दिन मेरा यह दावा गलत हो जाएगा। जिस दिन 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक होता है उस दिन से 4 दिन के भीतर का समाजवादी पार्टी ने, मैं तो एक हफ्ता कह सकता हूं 15 दिन कह सकता हूं, एक भी अगर कोई मीटिंग की हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, हम कहीं दांत निखारते और दिखाते हुए कहीं टीवी पे दिखाए गए हो, आप बता दीजिए। हमारे देश के उन 40 जवानों की शहादत होने के बाद उनकी अंत्येष्टि नहीं हो पाई और देश का प्राइम मिनिस्टर झोली ऐसे फैला के वोट मांग रहा था और कह रहा था एक बार और आशीर्वाद, तो उसके हंसते हुए चेहरे द टेलीग्राफ में जब 11 दिन के छपे तो यहां पे दर्द होता है कि कौन सा राष्ट्रवाद है तुम्हारा जो हमारे 40 सैनिक मर जाते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती हुआ और आप प्रदेश में सर्विस लिए पूरी इस तरह की गंदी भावुक हो गए यहां पर मनोज यादव, और कूटार दोनों करो सैनिकों की शहादत पर बात करने से भावुक हो गए मनोज यादव। आपकी गुंडा कैसे कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है कि माहौल हो रहा है राजनीति जो करते हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मजबूत करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी क्या वोट मांग रहे थे उन 7 दिनों में? मायावती जी क्या वोट मांग रही थी उन 7 दिनों में? क्या राहुल गांधी 7 दिनों में वोट मांग रहे थे? क्या विपक्ष का कोई नेता रैली में कर रहा था? लेकिन बीजेपी ने लगातार जो उन्हें चाहिए अमितोष जी ने कसम खा के कह रहा हूं लगातार वोट मांगते रहे, उनके पास कपड़ा नहीं थे प्रॉपर, ये आपकी सरकारों की शर्म नहीं आती। और इसीलिए मैं इनको कहता हूं कि इस देश के लिए सिर्फ लूटने वाले लोग हैं, घाव की तरह राजनीतिक जिसमें पस बन जाता करने के लिए इन्होंने इस देश के स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। नहीं हुआ मुझे दुख है इस बात का, इस भ्रष्टाचार बढ़ा की बात करता भाई दावा कर रहा हूँ द्विवेदी जी, छोड़िए दावा, नरेंद्र मोदी का एक रिश्तेदार ला दो, बॉर्डर पे गोली खाता हो हिम्मत नहीं, गुलामी करूंगा आपकी जाने की, अमित शाह का एक रिश्तेदार अरे करिए रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ, खुला बॉर्डर पे गोली खाता हो गुलामी करूंगा तुम्हारी, अगर कोई एक बुआ की व्यक्ति तुम्हारे बीजेपी में आरएसएस का हो जिसका बेटा गोली खाता हो बॉर्डर पे गुलामी करूंगा तुम्हारी, अरे कहे क्या अखिलेश यादव में हिम्मत है, दर्जनों लोग हैं गोली खाते बॉर्डर पे, अरे न पीएम का पता, तुम्हारी जरूरत नहीं है, परिवार तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अरे इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश की है, जनता एक गंदी परिपाटी का सृजन किया है, 18% जनता जवाब देगी, अगर मैं झूठा हूँ तो हम बुरी तरीके से हारेंगे और अगर हम सच्चे हैं तो हम मारते हैं, आप बुरी तरीके से हारोगे उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी सच और झूठ का फैसला जनता कैसे करेगी बताइए, संदीप द्विवेदी मनोज यादव आप दोनों ही बताइए, सच और झूठ का फैसला जनता कैसे करेगी? असल मुद्दों पर तो बात हो नहीं पा रही है ना। रूप से इस बात को
संदीप द्विवेदी, मनोज यादव बताइए किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने, ये बताइए। देखिए अमितोष जी, मुद्दा क्या है? देखिए अमितोष जी, हमने संपर्क पूर्ण समर्थन अभियान, अमितोष जी जब मेरी आंखों में आंसू आ गए तब बीजेपी ने मुझे बोलने नहीं दिया, इसी से इनका राष्ट्रवाद झलक जाता है। उज्ज्वला हो, अगर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव क्या बताएंगे, आपकी लोकल इलेक्शन में हिम्मत नहीं हुई कि एक रैली कर लेते आप, हमारे कार्यकर्ताओं ने खून पसीना किया। मुद्दा क्या लेकर जा रहे हैं संदीप द्विवेदी, इसका जवाब दीजिए ना, मुद्दा क्या लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि जनता मोदी मोदी चिल्लाती है, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं ये बताइए। नहीं, हमारा तो क्लियर, हम पिछले एक साल से सिर्फ और सिर्फ जनता से विकास की बातें कर रहे हैं, बहकाने की तो ये मोदी विरोधी लोग करते हैं। नहीं, पिछले एक साल में और इधर अब एक महीने के बीच में काफी माहौल बदला है, काफी माहौल बदला है, मुद्दा भी बदल रहा है बार बार। संदीप द्विवेदी समझिए इस बात को, और अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे, हो सकता है उस पर जवाब न देना चाहें। देखिए जनता बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार है, जनता अब इमोशनल चीजों पे वोट डालने नहीं जाती। वो इंदिरा का दौर अलग था कि जब मुस्लिमों को, दलितों को और पिछड़ों को सिर्फ इसलिए एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ाना चाहती थी कि अगर ये इसका एजुकेशन लेवल बढ़ गया तो ये कांग्रेस के विरोध में हो जाएगा। और क्या हुआ, जैसे जैसे जनता की आंखें खुलती जा रही हैं, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां साफ होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जनता को इनकी रणनीति पता चल रही है कि ये सिर्फ जनता को बहकाने की राजनीति करते हैं। और जनता आज आप फिर देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर जात हर वर्ग का व्यक्ति आज मोदी जी के साथ खड़ा है। और इन्हें बर्दाश्त सिर्फ ये चीज नहीं हो रही है कि गांधी परिवार का चौकीदार आज क्यों जनता का चौकीदार नहीं बन रहा है, आज जनता का चौकीदार क्यों इतना मजबूत है कि गांधी परिवार भी आज अदालत में के चक्कर काट रहा है। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं, अगर संदीप द्विवेदी इतनी मजबूती है, देश की जनता आपकी पार्टी के साथ है, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी इस तरीके के विवादित बयानबाजियों की, ये बताइए। किस तरह के विवादित बयान, जो नेता जो विवादित बयान दे रहे हैं? नहीं देखिए, क्या आप हमारे विधायक की तुलना मुलायम सिंह जी से करेंगे? मुलायम सिंह जी पूरी समाजवादी पार्टी का आदर्श है। हमारा अगर एक विधायक का प्रत्याशी गलत बयान देता है तो उसके ऊपर 100 लोग बैठे हैं जो उसके ऊपर नकेल कसते हैं। क्या सफाइयों में हिम्मत है कि मुलायम सिंह जी और आजम खान जैसे लोगों पर नकेल कस ले? यहां अगर कार्यकर्ता गलती करता है तो वो गलती में स्वीकार होती है, लेकिन अगर बड़ा पदाधिकारी, बड़ा नेता गलती करता है तो उसको गलती नहीं, उसको विचारधारा के तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार करता है। और मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी किसी बड़े नेता का बयान बताइए। मशीन हो यार, डिबेट करने से पहले पता नहीं कौन सी गोली खा के आते हो कि झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं, एक्सेप्ट करने की ताकत। अरे जनता आपको बताएगी कौन झूठ है कौन सच है, तो और 2012 के इलेक्शन कैसे फैसला करेगी झूठ और सच का? सिखा रही है माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? इलेक्शन में मुद्दा बनाइए, चैलेंज करता हूँ, इलेक्शन में मुद्दा बना के दिखाइए। आप लोग तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं, आज मां सीता कहने लगे। अरे राम भक्तों का कत्लेआम करने वाले लोगों से मां सीता का नाम शोभा नहीं देता। अरे आप कहिए क्या हम राम भक्तों के हत्यारे हैं? उसी पे इसके अलावा कुछ नहीं आता। अरे आपको आता है, करिए ना जनता के सामने जाके बात। क्यों आज अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है घर से बाहर निकलने की? क्योंकि जनता रैली में मोदी मोदी चिल्लाती है। बात करने वालों बेशर्मी की राजनीति करते हो। अरे बेशर्मी की राजनीति कौन करता है? जनता सबक सिखा रही है। अभी आप देश से जाइए, परिवारवाद और नमाजवाद अगर जनता खत्म ना कर दे तो कहना, लोहिया जी के विचारों को कूड़ा करकट करने वाले लोग आपको जनता बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। हरे रामा हरे कृष्णा होता था, मोदी मोदी नहीं होता था। अरे हरे रामा हरे कृष्णा भी होता है, आपके नारों में तो भारत सिलसिला लग रहा है नहीं होती। आप हरे रामा विवादित विवादित टिप्पणियों का सिलसिला लग नहीं रहा है कि थमेगा? किसी भी रैली में भारत माता की जय लग नहीं रहा है, विवादित टिप्पणियों का सिलसिला थमेगा? आप लोग ठीक है, हरे रामा हरे कृष्णा करेंगे। ठीक है, आप लोग जनता के बीच में पहुंच रहे, जनता की अदालत में इस वक्त खड़े हैं, और फैसला जनता को करना है, सच और झूठ का फैसला भी जनता को करना है, और क्या मुद्दे आप लोग लेकर पहुंच रहे हैं जनता के बीच में वो भी जनता देख रही है, और फैसला आखिरकार जनता करना है क्योंकि जनता जनार्दन है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप द्विवेदी आपका, मनोज यादव आपका, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल आज का हमारा यही था कि क्यों जुबान फिसल जाती है बड़े बड़े नेताओं की। तो आज के ऑन स्पॉट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।